जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। जो भाई रनिंग करते हैं और जो वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, या जिनका हाइट कम है, जो हाइट की एक्सरसाइज करते हैं, उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। तो वैसे तो रनिंग के बहुत से वीडियो YouTube पे डाले गए हैं, एक्सरसाइज के भी बहुत से वीडियो डाले गए हैं YouTube पे कि ये एक्सरसाइज कर लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आप ये खा लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो है आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना है क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज करके बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज जो है, पूरी स्ट्रेचिंग जो है, आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज जो होती है, वो सारी एक्सरसाइज जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करके बताऊंगा, ताकि आप भी जो जिन भाइयों को पता नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, तो जी हाँ दोस्तों, जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं या 1500 मीटर 100 मीटर वो जो बच्चे होते हैं, वो कौन सी जो एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग होती है उस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करते हैं, ताकि उनका जो रनिंग टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे 100 मीटर रनिंग करते हैं तो 11 सेकंड लेते हैं, या फिर 200 मीटर की रनिंग करते हैं तो उनका टाइम जो होता है 22 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 22 सेकंड जो है टाइम होता है। और जैसे 400 मीटर रनिंग करते हैं तो उसका 51 सेकंड, 52 सेकंड, ये जो है उसका 400 मीटर का टाइम होता है। तो वो जो है कौन सी डाइट फॉलो करते हैं, कौन सी स्ट्रेचिंग करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ जी हाँ दोस्तों बताऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उस वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखो कि स्ट्रेचिंग कौन कौन सी है, चलिए चलो शाबाश। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो पहली स्ट्रेचिंग है इसमें आपको पैर को पूरा खोल के रखना है और हाथों को ऐसे ही राउंडिंग करना है दोस्तों। चलिए शाबाश, पंजे पकड़ो, नाक टच क्रॉसिंग हाथ, शाबाश। जी हाँ दोस्तों देखिए, पूरा शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश, रोक के रखो। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपकी जो बॉडी है वो पूरा खिंचाव करेगी, पंजों को पकड़ के रखना है, ये जो मसल्स है आपका पूरा खिंचाव करेगी दोस्तों। रिलैक्स, चेंज, एक पैर आगे, पैर पर पैर रखो, शाबाश, पूरा बटरफ्लाई करो, पूरा बटरफ्लाई, शाबाश। हाँ तो दोस्तों देखिए, एक पैर को पूरा सीधा रखना है, एक पैर को फोल्ड करके इस पर रखना है, और बटरफ्लाई के बाद में आपको जो है पूरा नाक टच घुटने पर करना है दोस्तों। ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, शाबाश, चेंज, पैर चेंज, शाबाश, पूरा देखो, पूरा दबा के दोनों हाथों से पूरा बटरफ्लाई करना है दोस्तों आपको। आगे से पंजा पकड़ो, शाबाश, और दोनों तरफ से शाबाश, दो बार नाक टच करेंगे, शाबाश, पैर पीछे फोल्ड करो, पैर को पीछे फोल्ड करो, शाबाश, पूरा खींच के रखना है दोस्तों, जितना आप खींच सकते हैं, शाबाश, रिलैक्स, और पूरा बॉडी को, इधर बॉडी को आधा घुमाएंगे और इधर में बॉडी को पूरा खींचेंगे, शाबाश, आधा घुमाएंगे और बॉडी को पूरा खींचेंगे, शाबाश। आगे नाक टच, दोनों पंजों को पकड़ना है और नाक टच, और इस पैर को यहीं पर रोक के रखना है, शाबाश, चेंज, पैर चेंज, शाबाश, पूरा खींच के रखना है पैर को, शाबाश, खींचो बॉडी को, शाबाश। इससे आपकी पूरी मसल्स जो है पैर की और कमर की, रीढ़ की हड्डी जो है पूरा खिंचाव करेगी, शाबाश। आगे से पंजा पकड़ो और नाक टच, शाबाश, रिलैक्स, चेंज, चेंज एक्सरसाइज, लेट जाओ आराम से, शाबाश। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये जो एक्सरसाइज है आपको सीधा लेट जाना है और अपना पैर जो है इस पैर पे रखेंगे, बॉडी को ढीला छोड़ दो बिल्कुल, शाबाश, और पूरा टच करना है देखो, शाबाश, चेंज, पैर चेंज, शाबाश। दोस्तों देखिए ध्यान से, इस बच्चे को ध्यान से देखिए, शाबाश, चेंज, शाबाश, लेट जाओ इधर में, पैर सीधा करो, नहीं ये आगे वाला पैर निकालना है पूरा। जी हाँ दोस्तों देखिए, आपको कैमरा को इधर में लाओ,
शाबाश, आप जितना खोल सकते हैं पैर को खोलिए और शाबाश, घुटने पर नाक टच करने की कोशिश करेंगे आप, शाबाश, पैर को पकड़ लो आगे से, पैर को पकड़ के घुटने पर नाक टच करेंगे आप, शाबाश। ये एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, पीछे की मसल्स जो है आपका पूरा खिंचाव करेगी और इधर से आपका पूरा जो है पैर खिंचाव करेगी, कमर भी खिंचाव करेगी, रिलैक्स, दूसरी साइड, इधर में घूम जाओ दोस्तों। देखिए पूरा ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग को, इसमें जो है आपका आगे का पैर पूरा खिंचाव करेगा और पीछे का भी जो पैर है वो खिंचाव करेगा और रीढ़ की हड्डी जो है पूरा सीधा रहेगी, खिंचाव करेगी। पास में लो पूरा, शाबाश। देखिए दोस्तों ये पोजीशन है, इसको आपको रेगुलर करना है रनिंग के बाद में, रिलैक्स, चेंज, लेट जाओ, शाबाश। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंटिन्यू अगर अच्छा लगा, स्ट्रेचिंग का वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और उन बच्चों के पास में शेयर करना जो बच्चे जो है इंडियन आर्मी या नेशनल स्टेट, जिला स्टेट या खेल कूद, जो भी भाई तैयारी करता है रनिंग की, उन भाइयों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि वो भी लंबे स्टेप लगा सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इसके साथ में। तो देखिए कंटिन्यू, आपको क्या करना है, पहले पूरा बॉडी पर, कमर पर अपना पैर रखना है और पूरा खिंचाव करना बॉडी को, शाबाश, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। हाँ तो दोस्तों दो नंबर जो एक्सरसाइज है इसको देखिए, आपको इसे बैठना है पूरा और अपने हाथ जो है दोनों, पास में लो, अपने दोनों हाथ नीचे में गाल के और बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है, शाबाश, डाउन। जो नीचे सो रहा है लड़का वो अपना बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर वाला पूरा पैरों को खींचेगा ऐसे, डाउन, अप, ऐसे खींच के रखना है पूरा, रिलैक्स। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों ये जो दोनों पैर है इस पैरों को खींचेंगे और अपना पैर जो है इसके बीच में रखेंगे ऐसे और अपने हाथों को इनके ऊपर और पूरा बॉडी का खिंचाव करना है, शाबाश। और पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ पूरा फोल्ड करना है अपने घुटनों से वजन देके, शाबाश। किसी के घुटनों में दर्द है वो भी सही हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, देखो रिलैक्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग का वीडियो, अगर आपको वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जो आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे ये वीडियो जो है उन भाइयों के पास में जाएगा जो भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं और वो उनको पता नहीं है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, या फिर जिनके पैर ज़्यादा दर्द करते हैं, या किसी की हाइट कम है, या फिर और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो इनबॉक्स दिया गया है उसमें मैसेज करके जो है आप बता सकते हैं। तो वीडियो पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जय हिंद, जय भारत।